एबी जानकारी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में पुनः आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज के इस वीडियो का टॉपिक है वह नए सत्र में 4 वर्षीय बीएड के बारे में जानकारी से संबंधित है। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले जो है बीएड 9 महीना अर्थात 1 साल का हुआ करता था, लेकिन आगे चलकर पुनः वो 2 साल का हो गया। लेकिन अब नए सत्र में अब जो बीएड जो होगा 4 साल का होगा, उसी के बारे में हम आपको विस्तार से जानकारी देने जा रहे हैं। तो आप सीधे चलिए टॉपिक पर कि 4 वर्षीय बीएड में क्या होगा, क्या उसका क्वालिफिकेशन होगा। एक बात और, यह वीडियो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप वीडियो क्वालिटी बढ़ा करके आप उसको स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो जानकारी इस प्रकार है, जो सभी पेपरों में भी आ चुका है, नए सत्र से 4 वर्षीय बीएड कोर्स की होगी शुरुआत। हिंदुस्तान का ये न्यूज़ है पटना का कि राज्य में नए सत्र से 4 वर्षीय बीएड कोर्स की पढ़ाई शुरू होगी। राजभवन ने 4 वर्षीय बीएड कोर्स को लागू करने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। राजभवन द्वारा बनाई गई नई नियमावली में बीएससी बीएड व बीए बीएड कोर्स की पढ़ाई होगी। दोनों को अलग अलग बाँट दिया गया है। अब बीए कोर्स करने के लिए स्नातक पास करने की जरूरत नहीं होगी। इंटर पास परीक्षार्थी 4 वर्षीय बीएड कोर्स करने के लिए योग्य होंगे। ध्यान दीजिएगा, पहले बीएड करने के लिए बीए में 50% से अधिक नंबर होना चाहिए था या बीए पास होना चाहिए था, लेकिन अब अगर इंटर पास है तभी जो है बीएड में आपका नामांकन हो जाएगा। आगे की जानकारी इस प्रकार है कि ऐसे छात्र छात्राएँ जो बीए और बीएससी नहीं करना चाहते हैं, वे सीधे 4 वर्षीय बीएड कोर्स में दाखिला ले सकेंगे। नए कोर्स का ऑर्डिनेंस और रेगुलेशन बनकर तैयार हो गया है। इस कोर्स के परिनियम को बनाने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी में नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आर के सिन्हा, मुंगेर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आर के वर्मा और बीएन मंडल के विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ए के राय को रखा गया है। इस 4 वर्षीय बीएड कोर्स को लागू करने के लिए राज्य के सभी कुलपति से सलाह मांगी गई है। इसका पत्र राजभवन ने सभी विश्वविद्यालयों को भेज दिया है। राजभवन की ओर से बनाए गए नए नियम ऑर्डिनेंस के हिसाब से बीएड कोर्स में अब जो है 4 साल का होने जा रहा है। इसमें कुछ विशेष पॉइंट भी है, इस प्रकार है रेगुलेशन की तैयारी, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि बीएससी बीएड, ध्यान से सुनिए, बीएससी बीएड व बीए बीएड की होगी पढ़ाई। संयुक्त प्रवेश परीक्षा के आधार पर दाखिला होगा। इसमें अगली जानकारी है कि 4 वर्षीय बीएड कोर्स के लिए परिनियम तैयार करने के लिए बनी कमेटी। अगला जानकारी इसके बाद है कि कुलाधिपति ने सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को पत्र भेजकर मांगी सलाह। और 45 है कि 45 अंक सामान्य श्रेणी व अन्य को 40 अंक लाने होंगे प्रवेश परीक्षा में। ध्यान दीजिएगा, इसके जो प्रवेश परीक्षा होगा उसमें कम से कम सामान्य विद्यार्थी को 45% अंक लाना आवश्यक होगा। और कैटेगरी के हैं, मैंने कि एससी एसटी इस प्रकार के हैं कोई, तो उनको 40 अंक कम से कम लाने होंगे। आगे की जानकारी इस प्रकार है कि इंटर के बाद ही मिल जाएगा ट्रेंड शिक्षक। राज्य में 4 वर्षीय बीएड कोर्स शुरू होने से काफ़ी फायदा होगा। छात्रों का समय बर्बाद नहीं होगा। पहले स्नातक के बाद 2 साल का बीएड कोर्स करना पड़ता था, इसमें 5 साल का समय लगता था। अब इंटर के बाद ही बीएड कोर्स में दाखिला लेने के बाद 4 साल में ही कोर्स पूरा हो जाएगा, 1 साल की बचत होगी। अब इंटर के बाद बीएड कोर्स में दाखिला होने से पहले ही प्रशिक्षित शिक्षक तैयार हो जाएंगे। सरकार को प्रशिक्षित मिलने से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। इसके लिए अलग से कुछ ट्रेनिंग नहीं करानी होगी, जैसे पूर्व में अप्रशिक्षित को करनी पड़ती थी। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि जो है अगले साल यानी कि 2020 सेशन से अब 4 वर्षीय बीएड हो जाएगा और उसको बीए पास करने की आवश्यकता नहीं है। उसमें इंटर पास में भी आपका नामांकन होगा और इंटर में जो पास के बाद एक टेस्ट होगा, टेस्ट में कम से कम जनरल का 45 आना चाहिए और जनरल को छोड़ करके अन्य सभी कैटेगरी को 40 में भी नामांकन हो जाएगा। तो इस प्रकार बीएड और
ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार एमएड हो, बीएड हो और डीएलएड हो, इससे संबंधित लेटेस्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं, अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो। अदरवाइज आप हमारे व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से भी आप जो है अपडेट जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जो नंबर इस प्रकार है 70334060। आप इसको अपने मोबाइल में सेव करके सीधे कोई भी जानकारी अपने मोबाइल पर जो है पा सकते हैं। करना कुछ नहीं है, इस व्हाट्सएप नंबर को जो है सेव करके और अपना नाम और विलेज या कोई भी शहर का नाम इस पर सेंड कर देना है, जिससे कि आपको नई नई जानकारी आपको मिलती रहेगी। इसी के साथ इस वीडियो को हम बंद कर रहे हैं और जल्द ही एक नए वीडियो में आप एक नए टॉपिक के साथ आएंगे, जिससे कि आपका जानकारी अपडेट होता रहे। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम बंद कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।